जुबली हॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुप्रसिद्ध संस्थान है जो एमएससी जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज भी है और जो जो और आर्ट्स और लॉ के बच्चे हैं उनके लिए एक छात्रावास के रूप में भी यहाँ सुविधाएं दी गई है। इसका स्थापना आज़ादी के सुबह में हुई थी, 1947 में इसकी स्थापना की गई थी और माननीय महोदय जो मुख्य न्यायाधीश भारत सरकार के अभी वर्तमान में नियुक्ति की गई है रंजन गोगोई जी के, उन्होंने अपनी उनकी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद जो जब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उसके बाद जब उनकी नामांकन LLB में होता है लॉ की पढ़ाई का आरंभ करते हैं तो वो इस छात्रावास में उनके लिए एक छात्रावास के रूप में जुबली हॉल था और इस छात्रावास में आकर वो रहते हैं और रहने रह के अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करते हैं इस छात्रावास। और आज हमें बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि हमारे एक पूर्व छात्र जो भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति हुई है और मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनका चयन हुआ है, इससे गर्व और हर्ष की बात हमारे लिए और क्या हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पूर्व एलुमनाई भूतपूर्व एलुमनाई और पूर्व मुख्य न्यायाधीश MM पंछी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो भी हमारे जुबली हॉल छात्रावास के छात्र थे और आज वर्तमान समय में रंजन गोगोई भी जुबली हॉल के छात्रावास के छात्र थे और आज जुबली हॉल के परिवार से एक दूसरा मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसी का चयन रंजन गोगोई जी का चयन हुआ है और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और उल्लास की बात है। और मैं सभी जुबली हॉल परिवार की तरफ से माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।